ये कैसे उबल रही है? इसको मैम तंदूर में गर्म किया। अच्छा, दो इसको तंदूर में गर्म किया इसलिए ये चाय उबल रही है। इसको हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो आज हम जा रहे हैं कार्निवल, जो कि लगा हुआ रंजीत एवेन्यू में। तो वहाँ पे दिखाते हैं आपको कि वहाँ पे क्या क्या चीजें आई हैं, ताकि आप भी जाओ और आप भी देख पाओ। तो दिखाते हैं आपको, तो बने वीडियो पे बने रहिए। हम मतलब ये लगा हुआ कार्निवल फेस्टिवल, मतलब जैसे त्योहार होते हैं ना, तो वैसे ही लगा हुआ एक कार्निवल। वहाँ पर जाते हैं, वहाँ पे अलग अलग तरह की एग्जीबिशन होती है, तो जाते हैं कौन कौन से एग्जीबिशन लगे हैं, स्टॉल्स लगे होते हैं वहाँ पर। बाकी अभी आपको दिखाते हैं, आप हमारे साथ वीडियो में बने रहिए, वहाँ पर हम जाते हैं। तो चलिए हम जा रहे हैं, शॉर्टकट नहीं है, थोड़ा लॉन्ग कट पड़ जाता है, क्योंकि जिस रास्ते में जाना था वहाँ ट्रैफिक होता है। यहाँ शॉर्टकट ये पड़ता है, बाकी दूर पड़ता है। ये वाया रोज गार्डन से हम जाएंगे रंजीत एवेन्यू। नहीं यार, मेरे अकॉर्डिंग तो ये लॉन्ग कट है। नहीं, वहाँ से मेरे रेड लाइट, यहाँ पे कोई रेड लाइट कुछ नहीं होता ना, डायरेक्ट जाओ बस सीधा। कोई प्लेन रोड है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमेशा हम यहाँ से, हमारा रास्ता पक्का यहाँ से जाते हैं। हम यहाँ पे स्कूल भी आएगा आपका, एक जो है बोर्डिंग स्कूल है, शांति निकेतन ना। शांति निकेतन, ममता निकेतन, ममता निकेतन, ये तुम्हारी याद भी बन चुकी है कि ब्लॉग में तुमने कुछ ना कुछ वर्डिंग वैसे बोल ली है। तो दिखाते हैं आपको आगे क्या क्या ऑप्शन मिलेगी वहाँ पे हमको कार्निवल में। बने रोज गार्डन है सामने, तो ये निकल जाता है बाईपास पीछे की तरफ से, बाघा बॉर्डर जाएगा रास्ता, और ये चला जाता है रंजीत एवेन्यू की तरफ। अभी कार्निवल तो कौन कौन से ब्लॉक में लगा है पता तुम्हें? गाइस आज मौसम भी बहुत अच्छा है, आप ये देख सकते हैं, ठंडा मौसम हो रखा है, थोड़ी ठंड भी है। तो अभी आई थिंक कार्निवल स्टार्ट होने लगा है ना, होने नहीं लगा, कार्निवल स्टार्ट है यहाँ से। वो देखो यहाँ सामने प्राइस वगैरह लगी है ना, तो ये कार्निवल स्टार्ट हो रहा है, यहीं से स्टार्ट हो रहा है हमारा कार्निवल। तो अभी दिखाते हैं आपको, एक तो ना ये ट्रैफिक है ना, गाड़ियां कोई लाइट नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई किधर जा रहा है, कोई किधर जा रहा है, कोई नक्शा ही नहीं है इनका। ये देखो व्हाइट गाड़ी, देखो वो देखो, पता भी है कि हम निकाल रहे हैं, हम पहुंच चुके हैं कि पहुंचने वाले हैं, पहुंच चुके हैं। अच्छा, सामने ही आ गया, ये देखिए गाइस, अभी दिखाती हूँ मैं आपको। यहाँ पार्क करोगे गाड़ी तुम? यहाँ नहीं, आगे पार्क करना है। संतरे पूछे कितने रुपए किलो है, पूछे से गाड़ी आगे निकाल ली तुमने। होममेड बर्फी गाइस, यहाँ पे होममेड बर्फी भी मिल रही है। तो ये देखिए, इंटरनेशनल मेगा ट्रेड फेयर 2024, ये देखिए यहाँ पे लगा है। अभी अंदर जाते हैं, ये एक्चुअली मेरी फ्रेंड का कॉल आया था, उसके पास पासिस थे, तो ये देखिए गाड़ी पार्क वाला, जैसे इसने फ्री में लगवानी हो, फ्री में लगानी भैया, लगा दो। चलती है गाड़ी पार्क, चलो क्या चेक कर रहे हो? गाइस 50 रुपए लगे हैं पार्किंग के। इस बंदे ने लिए हमसे 50 रुपए। इसको भी। तो ये अभी हमें एंट्री हो रही है, एंट्री हो नहीं रही है, देखिए टिकट काउंटर गाइस, सब हमने ये पासेस ले लिए हैं, इन्होंने हमें खुद बुलाया था, क्योंकि इन्होंने हमको खुद बुलाया तो इन्होंने पासेस हमको फ्री दिए हैं। वैसे 40 रुपए चार्ज है, 40 रुपए वाला। अगर किसी को पास चाहिए तो हमको कांटेक्ट करिए, आपको हम दे देंगे फ्री में। उन्होंने कुछ फॉर्म फिल कर रही है, नेम वगैरह, उसके बाद यहाँ से एंट्री होगी। ये शाम को यहाँ पे डीजे का प्रबंध भी होता है, यहाँ पे देखिए पिक्सी वगैरह खींचने के लिए यहाँ पे इन्होंने काफी अच्छा प्रबंध कर रखा है। यहाँ पे देखिए भाई साहब, मौसम भी काफी अच्छा है, अब एंट्री तो हमने कर ली है, मौसम है ठंडा यहाँ पे। तो देखो पहले खाने में क्या, फर्नीचर वगैरह का सामान यहाँ पे लगा हुआ है, फर्नीचर नहीं है, मतलब फर्नीचर भी है सब कुछ, मतलब आर्टिफिशियल जो आपके घर में रख सकते हैं, आर्टिफिशियल चीजें होती है, ये सारा उसका है। ये देखिए भाई, इधर झूले पे लेना, इसमें बाहुबली फिल्म में था ये वाला माइक्रोस्कोप देखने वाला, ये बंदूक है, ध्यान से कहीं टूट ना जाना, कहीं है नहीं, इतना बाहर नहीं है मेरा है? तो इसको भी आप, अगर आपका न्यू घर बन रहा है तो आप इसका प्राइस लिखा होगा इन्होंने, प्राइस पूछना पड़ेगा इसका, लेना हमारे तो बच्चे बना रहे, हमारे तो बच्चों ने तोड़ देना, पक्का होता है, ज्यादा जिसका भार एक क्विंटल से ऊपर है वो मत ले, जैसे 50 किलो 60 किलो तक इसमें आराम से ले सकते हैं। मेरा 52 है, वही क्विंटल वाले इसमें नहीं आएंगे, वो झूले टूट जाएगा फिर। मैट वगैरह भी लगे हुए हैं, मैट नहीं कारपेट्स वगैरह है, वही कारपेट्स मैट्स वगैरह सेल लगी है इनकी, कारपेट्स की, कारपेट्स पायदान वगैरह वही सब जो है इधर। यहाँ पे है ओशन एंटरप्राइजेस, इस पे आपको जो है मसाज वगैरह फ्री मिलेगी,
ट्रेडमिल नहीं है यार, ये वाइब्रेशन वाली होती है, ट्रेडमिल नहीं है ये। क्या ट्रेडमिल नहीं है, वाइब्रेशन वाली होती है। करके देखना, मार्केट में कपड़े भी लगे हुए हैं क्योंकि विंटर के है कपड़े ऐसे यहाँ पे। तो कितने कितने के प्राइस पूछा ना, प्राइस वगैरह गुड। और जो गिरी पाउडर वगैरह भी मिलते हैं गाइस, ये देखिए 100% प्योर एंड ऑर्गेनिक आर्ट एंड क्राफ्ट भी लगे हुए आप देख सकते हैं। ये देखिए इनको चमकाया जा रहा है, सेल भी लग गई है, 50% ऑफ है। मुझे तो पाकिस्तानी सूट बड़ा अच्छा लगा, पाकिस्तानी। प्राइस कितना कितना पूछ रहे हो, मम्मी बोलेंगे 2000 रुपए का। ये गाइस पाकिस्तानी सूट है सारे यहाँ पे। प्राइस से पूछो एक बार उनसे, प्राइस के लिए 3000 के, अगर दो लोगे तो 5000 के पड़ेंगे, तो 2500 का एक सूट पड़ेगा ना। यहाँ पे ड्राई फ्रूट भी है जो कि स्पेशल अफगानिस्तान से आया हुआ है, तो जो कि ड्राई फ्रूट खाने के शौकीन है तो यहाँ पे आप आके ड्राई फ्रूट ले सकते हैं। यहाँ जो है खाने पीने का स्टोर लगा हुआ है, जिसको अगर शॉपिंग करते करते भूख लग जाएगी वो यहाँ पे आके खाना भी खा सकता है, बाकी कोई दिक्कत की बात नहीं है। पीने के लिए भी यहाँ पे काफ़ी कुछ है, जूस वगैरह मिल जाएगा आपको, के लिए खेलने के जो है खिलौने वगैरह और झूले वगैरह लगे हुए हैं, देख लीजिए गाइस। तो यहाँ बच्चे आके अपने आराम से इंजॉय कर सकते हैं और आप शॉपिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे आइए, बच्चों को भी लेकर आइए, हम तो लेकर नहीं आए क्योंकि वो स्कूल गए हुए हैं अभी, तो नेक्स्ट टाइम आएंगे उनको ज़रूर लेके आएंगे। तो आप जब भी आओ बच्चों को लेके आना। जी हमको मिल चुका है 30 रुपीज़ का सामान, कुछ भी लो 30 रुपीज़। इसको ढूंढ रहे थे इतनी देर से हम, ये बिल्कुल लास्ट पे लगा रखा है इन्होंने। चलो ढूंढो सबको 30 रुपीज़ में। यहाँ पे खिलौने वगैरह हैं, वो गर्ल्स के जो है मेकअप के सामान वगैरह हैं, गिफ्ट क्लिप्स वगैरह सब 30 रुपीज़ में। बच्चों के लिए पेंसिल वगैरह होगी वो ले लो, वो ले लो, पेंसिल सही रहेगी। ये ले लिया हमने, कितने का ये भी 30 का। अच्छा लग रहा है ये, मौसम काफ़ी अच्छा है तो काफ़ी इंजॉय हो रहा है यहाँ पे, आप जरूर आए इंजॉय करें, बहुत मज़ा आ रहा है, दिल ही नहीं कर रहा घर जाने का, तो आप जरूर आए इंजॉय करिए पूरा, काफ़ी रौनक लगी हुई यहाँ पे। डांस होगा रात को, हाँ तो शाम को करेंगे। क्या तुम्हारे अंदर अगर कोई टैलेंट है तो जाओ, अब देखता हूँ शायद बोलेंगे अगर डांस कर लेंगे क्या होगा। हाँ। हमको तंदूरी चाय मिल गई है, अब जाके पीते हैं, दिखाते हैं इसका कि कितने की है और क्या इसका टेस्ट मिलेगा हमको। चलो आइए, इसलिए हम आए हैं तंदूरी चाय पीने के लिए। इन्होंने बोला कि ये 40 के एक कप है, ये 30 वाला एक कप है, हमने कराया है 40 के एक कप। ये खंडे शुगर नहीं यूज़ करोगे ना, शुगर नहीं यूज करते, ये यूज करते हैं, देसी गुड़ यूज करते हैं, ये वाला है, ये यूज करते हैं, ये यूज करते हैं। हाँ ये गुड़, इससे कौन सा यूज करोगे, कौन सा यूज करोगे इसमें, कोई ये वाला देसी शक्कर, ठीक है। दिखाते हैं इसको टेस्ट आपको कैसे हमको मिलेगा, ये चाय बन रही है, इसके बाद आपको दिखाएंगे कि टेस्ट कैसे आएगा। ये बड़ा क्यूट सा लगा मुझे, इसको क्या बोलते हैं, चाय डाल के देते हैं, हाँ दो कप। अभी हम वेट कर रहे हैं, तंदूरी चाय तैयार हो रही है, हो गई तैयार, चलो चाय रेडी, तंदूरी चाय। अब इसको ये डालेंगे इसमें तंदूर वाले में गिलास, भैया को भी ले आओ रहा। हाँ हाँ दिखा दे रहा हूँ, ये कैसे उबल रही है, इसको मैम तंदूर में गर्म किया। अच्छा। दो इसको तंदूर में गर्म किया इसलिए ये चाय उबल रही है, इसमें ये डल रही है चाय, तो ये है गुड़ वाली चाय। देखिए हमारे दो कप हमारे तंदूरी चाय के रेडी हो गए हैं, अब इसको हम पियेंगे। गाइस ये तंदूरी चाय पी रहे हैं, देखिए गाइस तुमने पी रही, अपना जल्दी पियो। पी रही हूं, पहले ये बूमरैंग तो बना दूं। बूमरैंग कोई नहीं, इधर देखो इधर चाय बना। गाइस चाय काफी टेस्टी है, मैंने टेस्ट नहीं की अभी, तुमने कर ली है, अच्छी लग रही है। साई वाले भैया ने हमको यहाँ पे कुर्सी अरेंज की है कि आप बैठ के चाय पियो, तो आप चाय पी रहे हैं बैठ के, मेरी कुर्सी भी आ चुकी है यहाँ पे, तो बैठते हैं। वैसे
ये देखिए मौसम देखिए कितना अच्छा है, ऊपर देखिए बादल कैसे छाए हुए हैं, मौसम बहुत सुहाना हो रखा है एकदम। और साथ में चाय का तो मज़ा ही कुछ और है साथ में। देखिए मैंने अपना कप पूरा पी लिया है और सोने का कप देखो जरा। तो गाइस अब हम जा रहे हैं घर, अब वीडियो को हम करते हैं अब एंड। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो पहले बैठी गाड़ी में गाने बज रहे, तुम पता गाने देखे मेरा दिल कैसा हो जाता है। तो गाइस ठीक है, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच गाइस।